हेलो एंड वेलकम टू अपस्टॉक्स मॉर्निंग अपडेट। आइए एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। डिमांड में मजबूत रिकवरी के चलते ग्रासिम इंडस्ट्रीज का Q4 नेट प्रॉफिट 14% बढ़कर ₹1,715 करोड़ हुआ। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 26% उछला और 24,399 करोड़ पर रिकॉर्ड हुआ। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी अपना नेट डेट 58% घटाकर ₹8,831 करोड़ किया। मैनेजमेंट ने कहा है कि कंपनी के पेंट बिजनेस में एंटर करने का प्लान तेजी से बढ़ रहा है। कल स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ पर इस साल अब तक 48% बढ़ चुका है। एक इंडस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ सालों में टॉप लिस्टेड रियल्टी प्लेयर्स का मार्केट शेयर स्टेडिली बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 के पहले 9 महीनों में टॉप 8 रियल्टी कंपनीज का शेयर 22% था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 17 में उनका मार्केट शेयर सिर्फ 6% था। RERA एंड GST के आने के बाद ग्राहकों का ब्रांडेड रियल एस्टेट कंपनीज की तरफ प्रेफरेंस बढ़ा है। साथ ही साथ इन कंपनीज ने लग्जरी सेगमेंट के अलावा अफोर्डेबल एंड मिड इनकम सेगमेंट्स में भी एंटर किया है। इस महीने निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 5% बढ़ा है। रिसेंटली लिस्ट हुए बारबेक्यू नेशन का Q4 कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 18.5% से बढ़ा है। कंपनी ने 6 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जहां कि पिछले साल कंपनी को 28 करोड़ का लॉस हुआ था। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी अपने डिलीवरी सेगमेंट में दुगना ग्रोथ एक्सपेक्ट करती है। कंपनी का 20 नए आउटलेट्स भी ऐड करने का प्लान है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 21 में सिर्फ एक नया आउटलेट ऐड हुआ है। अप्रैल 2021 में लिस्ट होने के बाद कंपनी का स्टॉक 28% बढ़ा है। तो ये थी हेडलाइंस मार्केट खुलने से पहले। ये न्यूज़लेटर पसंद आया तो सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स YouTube चैनल सो दैट यू गेट ऑल आवर लेटेस्ट स्टॉक मार्केट अपडेट्स। टू रीड द इंग्लिश न्यूज़लेटर क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।